16 दिसंबर सन 2018 को पीएनआई ने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सरहद से सटे गांव चलास से एक मेंटली चैलेंज्ड आदमी मोहम्मद अलियास, जो कि गलती से सरहद पार करके पीओजेके में पहुंच गया था और उसके घर वालों ने दोनों तरफ की सरकारों से ये गुहार लगाई थी कि उसे जल्द से जल्द वापस अपने घर भेजा जाए। जहाँ किसी ने पीर फकीर बताया वहाँ लेंगे, जहाँ कोई डॉक्टर बताया वहाँ लेंगे, लेकिन कुछ वास नहीं चला, नहीं इसके कोई इलाज हो सका। फिर उसके बाद हमने जो डीसी साहब पूंछ हैं उनके पास गए, हमने एक दरखास्त पेश की कि ये लड़का जो है इसे जहनी तौर दिमाग ख़राब है इसका, तो आप हमारी मदद कीजिए या इस स्टेट से बाहर कहीं भेजो, कोई ऐसा आश्रम है उसमें भेज दो या यहाँ हमारी मदद करो कि इसका हम इलाज करवाएं। लेकिन उनने डॉक्टर साहब पूछ सीएमओ साहब ने उनकी तरफ लिखा कि मशवरा दो, तो हम जब उनके पास गए तो उनने यही किया, आ जाओ कल आओ आ जाओ कल आओ, करते करते एक महीना बीत गया। फिर वे हमारी मजाक उड़ाने लगे और हमारा साथ नहीं दिया उन्होंने। और सबसे बड़ा अफसोस ये है कि अगर ये इंतजामिया हमारा साथ देती आज अलियास इस पागल हालात में पाकिस्तान ना जाता, इसलिए ये बहुत आइए बहने उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि ऐसा किसी के बच्चे के साथ ना हो जैसा अलियास के साथ हुआ और मीर सैन के लड़के के साथ हुआ। आज के बाद क्या वो अपने घर वापस आए, उसके बाद हमारा साथ दो, हम उसका इलाज करवाएं, क्योंकि उसके बाप के पास इतना पैसा नहीं है, उन्हें जमीन बेचकर यहाँ तक पहुंचाया है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी अपील है कि अलियास को अपने मुल्क भेज दो, वो कोई दहशत गर्द नहीं है, कोई जासूस नहीं है, वो जहनी दिमाग का मरीज है, तो उसको अपने घर भेज दो। मैं अर्ज करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ हिंदुस्तान गवर्नमेंट से भी और पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी कि इस बच्चे को वापस कर दो। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान, आप बताओगे कि आपके पापा कहाँ गए और कैसे गए, पता है आपको कुछ? बताओ। वो 5-6 साल से डिस्टर्ब से, तो 11 तारीख को यहाँ से जिला नीचे गए, तो वहाँ से पाकिस्तान चले। मेरी गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि मेरा पापा को जल्द से जल्द घर लाया जाए। हमारे साथ हैं इलियास के मदर शमीम जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकया हुआ। शमीम जी आप बताओ कि ये कैसे हादसा, ये कैसे हुआ? तेज हादसा, 7 साल से मेरा बच्चा जरा ना जहनी प्रॉब्लम उसकी तकलीफ, बड़ा इलाज भी कराया, फिर मसीने को भी भेजा, जाने के उसने कोई इलाज कराया, जितना भी किसे दसा उठा खड़े, 2 दिन तक बच्चा मेरा ठीक नहीं आया। हूँ इसलिए यही अर्ज है कि 11 तारीख ना इतों 4 बजे गया सा बच्चा मेरा, जिले गया दरिया भर गया, कोई पता नहीं करे पासा गया, उसने शाम बड़ा लोग ले रहे हैं उसकी नहीं लगा। 2 दिन ही उसने तलाश करी, रिपोर्ट दी थी, 2 दिन तोड़ी हैं जिन्हें वो उसकी, इतने 2-3 दिन हो गए थे वो नहीं, तो फिर बाद में भी 2 दिन पता लगा कि बच्चा सारा बाहरों मीडियो आई कि बच्चा सारा सरपंच आया कि बच्चा थोड़ा बाहर आ गया। तो मेरी यही अर्ज है, दो हाथ जोड़ के कहनी है कि मेरे बच्चे ने कोशिश करन था देखने से वापस कर, इस देश ने यही है कि मदद की, बंदियां नहीं मिली आई है कि बच्चे पाई हैं मेरे, कुछ बच्चे कुछ बुजुर्ग हैं कि उन्होंने यही याद है कि मेरे बच्चे की वापस कर, जल्द से जल्द मेरे बच्चे की वापस। आज करीबन 5 महीने के बाद अलियास के घर वालों की दुआएं रंग लाई और अलियास घर लौट आया। देखिए पीएनआई की ये रिपोर्ट। लड़की ले गई।
बारे में है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो कल डिस्टर्ब की तरफ से एक ऑर्डर मिला था कि एक लड़का जो है उसको वापस लाया जा रहा है पाकिस्तान से। ये लड़का आज से 5 महीने और 5 दिन पहले यहाँ से पाकिस्तान गया था। तो आज डॉक्टर साहब, मैं मैथिलार मोहम्मद रशीद चौहान एज ए मजिस्ट्रेट और उसके बाद पुलिस के कर्मचारी सारे इकट्ठे गए थे, आर्मी वहाँ मौजूद थी, सी ओ साहब मौजूद थे। तो बाद ट्रीटमेंट उसको जब चेकअप किया गया, चेकअप के साथ साथ हम उसको फिजिकली जो है देखा गया, लेकिन वो दिमागी तोज़न अपना जो है वो बदस्तूर नहीं रखे हुए हैं। तो उसके सर कौन सी जगह से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया है? ये बताया जा रहा है कि यही नाला नीचे चलास और ये देहरादून में अपने क्या कहते हैं इसको चक 33 नोट का जो बीच में नाला आता है, इसी नाले से कहीं निकल के गया था पहले। तो आज वो वापस आया, वापस आने के बाद पुलिस के हवाले। सर आज कितने दिन के बाद ये वापस आया है? सर ये आया 5 महीने और 5 दिन के बाद। तो सर कहाँ का रहने वाला है ये? चलास का रहने वाला है, चलास कहीं जो ग्राउंड है उसके साथ के रहने वाला। क्या वजह से किस तरह से पाकिस्तान पाकिस्तान में सीधा मनाई है उसे? ठीक रहे तुम? हाँ अच्छा ठीक है। अलियास ने वापसी नहीं, कोई सुन रहे हैं कि वापसी है उस तांत्रिक की वापस कर रहे हैं सही। आर्मी ने शुक्र गुजार हैं सर, टन तेरे ना गल करना होंगे असर शुक्रिया गुजारने हैं सर। अपनी आर्मी डिपार्टमेंट जरा मतलब टन ब्रिगेड वाला ना कमांडर साहब, उसने हर बार बहुत तावन किया। असर 2-4 बार स्कूल गए हैं, अपनी चिट्ठियाँ ले गए कि बच्चे ने मुखबर लाला 11 दिसंबर के जरा मोहम्मद अलियास जरा बच्चा बार्डर क्रॉस कर रहे चले गए सब डिस्टार्ब है वो। हूँ वो अल्लाह ने शुक्रिया ये इतना कि उन्होंने तक एक संगी रिपोर्ट लगी है कि उस तारों तरीके उसके वापस कर देना। बहुत बड़े शुक्रगुजार हो अपने आर्मी के शुक्रगुजार हैं कि सर बहुत तावन किया उन्होंने। उस वक्त में असर ने अपने बच्चे का मुँह देख ले सब किस पोल्यूशन में है वो किस हालात में है। अभी 5 महीने तो उसके 5 दिन हो गए। हाँ जी, आपका नाम? जी मीर सिंह। मीर सिंह जी बताएं कि आपका जो छोटा बेटा है जो यहाँ से चला गया था पाकिस्तान सरहद पार कर ली थी उसने, तो सुनने में आया कि वो वापस आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके? तकरीबन 6-7 साल से डिस्टर्ब था उसका बेचारे का, बहुत इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया जम्मू में सब जहाँ जहाँ किसी ने बताया पीर फकीर के पास सबके पास गया हूँ, लेकिन उसका कुछ भी हाल जो है ना सुधरने में नहीं आया। तो कई बार उसको ये इधर जाने पर नीचे जाता रहा सुरनकोट की तरफ कलाई ब्रिज की तरफ, तो उसको आर्मी वाले पकड़ते रहे पुलिस स्टेशन में देते रहे, तो हम उसको वापस ले आते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ ये 11 दिसंबर को 4 बजे घर से पोर्ट हो गया था, तो आउट होने के बाद कुछ भी उसका मालूम पता नहीं लगा वो कहाँ गया। हमने उसका दूसरे दिन पूरा दिन तलाश किया, उस दिन रात भी उसकी तलाश की, दूसरे दिन दूसरे दिन शाम को इधर हमारे पड़ोसी आए एक बेचारा मास्टर रोशन लाल नाम है उसका, तो उस वो आ गया हमारे घर में, बोलता है उसका वीडियो आया है अभी वो जिंदा है पाकिस्तान चले गया, वह आप रोना पीटना बंद करो। तो वो बॉर्डर क्रॉस कर गया है पाकिस्तान में चले गया, उसका वीडियो है ये सऊदी अरब से किसी ने भेजा था। तो जब उसका वो सारा हमें मिला देखा उसका वीडियो, तो हमें ये मालूम हो गया कि ये अभी जिंदा है, तो अभी जिंदा है तो हम इसको चलो कभी ना कभी जिंदगी मुलाकात हुई तो अल्लाह फिर मैंने इसको मिलाएगा। तो चलते चलते ये महीने तकरीबन 5 महीने और 4-11 दिसंबर से हिसाब लगा लो कि आज 16 मई को आज ये खबर लगी है इसकी कि भाई ये वापस आ रहा है 17 तारीख को। तो हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं खास करके अपने आर्मी डिपार्टमेंट का जितने जिन्होंने हमारे साथ तावन किया है, और 10 ब्रिगेड का हम शुक्रगुजार हैं, और ये मतलब आर्मी चेक वाले इन्होंने भी हमारे साथ बहुत आना जाना पूछते हैं जितने है उसका या लास्ट में भी हमने कल परसों बोला था कि उसका भैया हमें कोई खबर नहीं बोले, हम कोई ना कोई कोशिश करके उसकी आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी देंगे। तो उन्होंने ये खुशखबरी दी है कि भाई 17 तारीख को वापस आएगा हम, इसलिए हम उनके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। हमारी मुलाकात हो जाएगी बेटे से, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वह भी देख रहे हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा पापा कब आएगा, कब हम उसको देखेंगे। तो इस
इसलिए हम सबका आप शुक्रगुजार हैं, खास करके आपने जितने भी आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ हमारे बच्चे की फिर मुलाकात करा रहे हैं। हाँ नाज़रीन, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसएसपी पुंछ रमेश अंग्राल सर। सर बताएं कि एक आदमी जो जलास का रहने वाला था तो 11 दिसंबर को यहाँ से सरहद पार करके पाकिस्तान चला गया, तो आज पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी की जानिब से कॉपरेशन के बाद वो वापस लाया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? जैसा कि आपने बताया कि 11 दिसंबर पिछले साल ये मोहम्मद इलियास है, सनाफ मीर हुसैन जलास का रहने वाला है। ये गलती से टहलता हुआ जो है वो फेंस क्रॉस करके चला गया पार्ली साइड, और जब यहाँ पता चला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस तरह से वो पार गया है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्मी के थ्रू पार रब्ता किया और सर्टेन किया कि वो वहाँ पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, फिर उसके अकॉर्डिंगली कॉरेस्पॉन्डेंस भी की, तो लगातार ये कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रही कि उसको यहाँ वापस भेजा जाए। तो उसी के चलते आज ये जो आदमी है ये वापस आ रहा है, और ये अभी ये भी पता चला कि शायद ये थोड़ा सा मेंटली अपसेट है, जब ये हम इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि इसकी क्या कंडीशन है, और जब ये हमारे पास आ जाएगा उसके पास जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो करके हम इसको इसके जो पेरेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं उनके हैंडओवर कर देंगे। हाँ सर बताएं कि ये 11 दिसंबर को एक आदमी जलास से जो सीमा पार पाकिस्तान चला गया था, तो आज एडमिनिस्ट्रेशन और फौज की जानिब से उसको वापस लाया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, हमारा जुलास का एक बंदा मोहम्मद इलियास, वो मेंटली वो इतना स्टेबल नहीं था, और वो जो है घूमते घूमते वो पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर कर गया था, और उसको वहाँ पर एप्रीहेंड किया गया, और उसके बाद जब उसके घर वालों ने पहले उसे खोजने की कोशिश की, बाद में जब उनको जो है जब पता चला कि इस तरह से पाक में एक जो POK है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे एक इस तरह से एक लड़का एप्रीहेंड हुआ है, तब उसके बाद हमने आर्मी के थ्रू और जो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वहाँ पर कोऑर्डिनेट किया और उनको कम्युनिकेट किया कि इस टाइप से ये बंदा जो है ये एक्चुअल में ये मेंटली अनस्टेबल है, इसके वजह से वो इनएडवर्टेंटली दूसरी तरफ क्रॉस कर गया। सो अकॉर्डिंगली इसमें जब ये मैसेज कन्वे हुआ वहाँ पर, उसके बाद वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर उन्होंने भी उसको जो है फॉर्मेलिटीज करने में कुछ टाइम लगा, लेकिन उसके बाद आज वो वापस आ रहा है, और इसके लिए जो आर्मी का जो है बहुत पॉजिटिव रोल रहा, उन्होंने भी जो POK में जो अथॉरिटीज हैं उनके थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर और आज वो हमारा जो लड़का है वो आज वापस आ रहा है।